क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। विधायकों के बाद अब शिवसेना सांसदों में भी फूट है। करीब 6 सांसदों ने एकनाथ गुट को समर्थन दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, शिवसेना विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसदों का भी समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल रहा है। पहले विधायक ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आप देखिए सांसद जो है वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हो रहे हैं। वासीम की सांसद भावना गावित, पालघर से सांसद राजेंद्र गावित, ठाणे से सांसद राजन विचारे, कल्याण सांसद श्रीकांत शिंदे और रामटेक सांसद कृपाल तुमाने, ये सब अपना समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे को देते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, अगर ये सांसद भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस ये और इशारा कर रही है कि अब दूसरी शिवसेना बनने जा रही है, अगर सांसदों ने भी समर्थन कर दिया है तो जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो बहुत ज्यादा कमजोर अब नजर आता है। और अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुमकिन है कि जल्दी इस बात का दावा भी एकनाथ शिंदे कर दें कि जो उनके पास शिवसेना के सांसद है वही असली शिवसेना है। देखिए, अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना के विधायक हैं वही शिवसेना का असली गुट है संख्या बल के हिसाब से, क्योंकि अगर जिस तरीके से अब लगातार विधायक पहुंच रहे हैं और 2/3 का बहुमत जो है वो पार होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अगर पार्टी तोड़ने के जो आसार पूरी तरह से लग रहे हैं 2/3 बहुमत के बाद, अब जो है वो शिवसेना का जो लेजिस्लेचर पार्टी जिसे कहा जाता है, जो कि विधानसभा में टर्म होता है, वो लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो शिवसेना का वो हिस्सा बन जाएगा। और यहाँ उद्धव ठाकरे के पास गिनती के विधायक बच रहे हैं। और वैसे में जब ये खबर आ रही है कि कुछ सांसदों ने भी अब धीमे धीमे शिवसेना का समर्थन करना शुरू कर दिया, उसकी वजह यह है कि अगर 2/3 बहुमत के साथ पार्टी टूटती है तो बहुत हद तक ये संभव है कि जो पार्टी का सिंबल है वो भी उस गुट के साथ जाएगा, यानी कि शिवसेना की जो पहचान है, शिवसेना पार्टी का नाम और दूसरा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, वो सभी एकनाथ शिंदे गुट के पास चला जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि शिवसेना के जो ये विधायक सांसद भी जो हैं वो भी उस स्थिति में जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट को सपोर्ट करें। जानकारी ये भी आ रही है कि राजन विचारे जो कि सांसद हैं वो भी संभवतः 3 दिन से गुवाहाटी में हैं। तो ये जो तस्वीर है वो ये दिखाती है कि देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, इसके बाद लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो जानी है। तो ऐसे में सांसद भी अपना भविष्य देखते हुए संभवतः एकनाथ शिंदे गुट के पास चले जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर जो है ये दिखाती है कि किस तरीके से बहुत तेजी से, जिस तरीके से कोई भी शख्स जो है हाथ में मुट्ठी लेकर अगर रेत को रोकने की कोशिश करे रेत तेजी से सरकता, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे के हाथ से ये विधायक सांसद ये तमाम नेता जो हैं ये शिवसैनिक जो हैं वो सरकते हुए नजर आ रहे हैं। और वजह यही है कि अब संख्या बल जिस पर लोकतंत्र चलता है वो संख्या बल एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास नजर आ रहा है। और अब शिवसेना के सांसदों का समर्थन मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को लेकर कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल गौरव, रंजीता भी हमारे साथ है, मुंबई से जुड़ी हुई है। रंजीता, अब लड़ाई शिवसेना की अंदरूनी नहीं रही, अब लड़ाई हो गई है कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है, कौन शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की सोच को, उनके हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। बार बार एकनाथ शिंदे का ये कहना कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी, हम असली शिवसैनिक है और हम ही इस लड़ाई को, हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाएंगे। अब सांसदों का साथ मिलने लगा तो जाहिर सी बात है अब लड़ाई हो गई है असली शिवसेना वर्सेज नकली शिवसेना। देखिए निश्चित तौर पर जो स्थिति अभी महाराष्ट्र की राजनीति की है और खासकर शिवसेना के अंदर जो टूट पड़ी है, इसमें हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि एक तरफ एकनाथ शिंदे का जो दावा है वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शिवसेना अब तक जो राजनीति महाराष्ट्र की, जिस राजनीति में वो सक्रिय है, जिस तरह से शिवसेना का वर्चस्व रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, हिंदुत्व का एक चेहरा और हिंदुत्व की बात करने वाला एक पार्टी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जिस समय चुनाव के बाद महाअघाड़ी गठबंधन की जिस स्वरूप बनाया गया, उस दौरान भी एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता थे जो उस समय भी कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जाने का विरोध कर रहे थे। और एक बार फिर जब वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि शिवसेना
वो नहीं छोड़ रहे हैं। शिवसेना की जो मूल भावना है हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का और हिंदू को मजबूत करने का, बीजेपी के साथ जाने की जो बात कह रहे हैं, उनको पता है, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस बात से कई शिव सैनिक जो हैं वो प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं उनका जो सॉफ्ट टारगेट है उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इमोशनल अपील जो है कल उद्धव ठाकरे की तरफ से भी किया गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से अपने अपने दाव खेले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिख रही हैं। एनसीपी अपनी बैठक करने वाली है, शरद पवार के आवास पर बैठक होगी 11:30 बजे। सूत्र ये बता रहे हैं कि मातोश्री पर भी शिवसेना के विधायकों की, नेताओं की और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। तो ये बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि आंकड़ों में लगातार उद्धव ठाकरे पिछड़ते जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे का जो पलड़ा है वो लगातार भारी होता जा रहा है। और राजनीति में जब नंबर गेम की बात आती है, जब सरकार बनाने और गिनाने की बात आती है, तो संख्या सबसे ज्यादा अहम होता है और इस बात को तमाम जो पार्टियां हैं वो समझती है। यही कारण है कि शरद पवार जो है इस बार, क्योंकि कहा जाता है कि हर बार संकट मोचक के तौर पर शरद पवार निकलते हैं, लेकिन इस बार चुप्पी साधे हुए हैं शरद पवार। संकट मोचक बनना भी है रंजीता, तो उसके लिए विकल्प होने चाहिए और आज के समय में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के पास वो विकल्प ही नजर नहीं आता जिससे कि वो अपनी सरकार बचा पाए। बहरहाल अमित, आपका रुख करते हैं क्योंकि आज मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे की स्थिति ये, एक वो मशहूर कहावत के साथ में कहना चाहूंगा कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम,